दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों पहली बड़ी खबर में देखिए, दिवाली और छठ से पहले बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा, कोसी, घाघरा, कमला बलान सब खतरे से पार। जी हाँ, देखिए छठ और दिवाली से पहले बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने की वजह से गंडक नदी आई उफान से पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के लोग बाढ़ की तबाही से जूझ रहे हैं। वहीं देखिए गोपालगंज में पानी के अत्यधिक दबाव से गंडक नदी का रिंग बांध टूट गया है। इससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। लगभग 2.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं देखिए इन इलाकों में सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी की धारा बह रही है। दूसरी तरफ देखिए घाघरा नदी में उफान से सारण और सिवान में बाढ़ आ गई है। इसके अलावा देखिए मधुबनी में कमला बलान नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। इसके कारण बड़ी आबादी पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी लाल निशान के ऊपर बह रही है। कटिहार में कोसी नदी तबाही मचा रही है। आपको बता दें कि जिले के कुरसेला में कोसी नदी लाल निशान को पार कर चुकी है। इलाके में लोग रात जाग कर इसका बचाव कर रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देखिए 15 अक्टूबर तक हो सकती है मानसून की विदाई। जी दोस्तों देखिए बिहार में जाते जाते मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग ने राज्य के 38 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। राज्य के दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य और उत्तर पूर्व भाग के कई जगहों पर बारिश हो सकती है। वही अन्य भाग में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वही देखिये इस हफ्ते ही बिहार में मानसून की विदाई संभव है। साथ ही देखिये मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश और बिजली को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 38 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पटना, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, वैशाली, जमुई, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वही नालंदा, रोहतास, भोजपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, कैमूर, मधुबनी, गोपालगंज, बांका, सिवान, बक्सर, औरंगाबाद, पूर्णिया, अररिया, सारण, अरवल, शेखपुरा, सहरसा, जहानाबाद, सुपौल और लखीसराय शामिल है। वही देखिये मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि मानसून की विदाई में अभी 3 से 4 दिन और लग सकता है। 14 से 15 अक्टूबर तक राज्य से मानसून की वापसी हो सकती है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार सरकार दिवाली से पहले 10,000 पदों पर शुरू करेगी बहाली। एक सप्ताह में जारी होगा विज्ञापन। जी देखिए बिहार सरकार नौकरी देने के अपने एजेंडों पर तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों ने विभिन्न विभागों को अपने यहाँ खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे रखा है। वही देखिए सरकार ने इसके लिए सभी विभागों को खाली पड़े पदों की सूची तैयार कर सरकार को भेजने का भी निर्देश दे रखा है। उसी आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दीपावली से पहले 10,000 पर बहाली शुरू कर देगा। वहीं आपको बता दें कि संविदा पर होने वाला यह बहाली फरवरी तक पूरी होगी। इसके तहत 8200 पद आमीन के हैं और बाकी पद विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो व लिपिक के हैं। वहीं देखिए एक साल के शुरू में पूरे बिहार में एक साथ भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर 2024 के खत्म होने तक पूरा कर लेना है। इसीलिए एक सप्ताह के अंदर पद व रिक्तवार विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना की तैयारी चल रही है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होगी आधिकारिक घोषणा। जी देखिए बिहार में जातिगत जनगणना जल्द शुरू होने वाली है। जातिगत जनगणना को लेकर जिला प्रशासन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आधिकारिक घोषणा करेगा और 1 नवंबर से जनगणना कार्य आरम्भ हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले चरण में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संसाधनों की तैयारी होगी। उसके बाद सेक्टर आधारित कार्य को जमीन पर उतारा जाएगा। वही देखिए जातिगत जनगणना के लिए नोडल पदाधिकारी जिला अधिकारी होंगे। जिले में जातिगत जनगणना कराने के लिए कोषांग का गठन से लेकर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने का प्रभार देने का कार्य भी डीएम ही करेंगे। वही देखिए जातिगत जनगणना का संपूर्ण कार्य राजस्व विभाग कराएगा। वही देखिए जातिगत जनगणना कार्य को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा कराया जाएगा। इसमें जनगणना कार्य करने वाले कर्मी जहाँ भी जाएंगे वहाँ सीधे डाटा ऐप में अपलोड करेंगे और ऐप के माध्यम से डाटा जिला समेत राज्य तक पहुँच जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 78 दिन का बोनस का हुआ ऐलान। जी देखिए बड़ी खबर रेलवे कर्मचारियों से जुड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिवाली के मौके पर अब रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 12 लाख नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा, जबकि केंद्र सरकार पर 1832 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला लिया गया। वहीं आपको बता दें कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम राशि 17,951 मिलेगी।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में डेंगू ने आतंक मचा रखा है, क्योंकि देखिए पटना में एक दिन में डेंगू के 351 नए मरीज मिले हैं। वहीं कई अस्पताल में भर्ती भी हैं। वहीं ब्लड बैंकों को अलर्ट भी किया गया है। यहाँ देखिए प्रदेश में डेंगू के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में डेंगू के 419 नए मरीजों की पहचान की गई। इनमें से मात्र 13 पीड़ित मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं देखिए स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को जानकारी दी है कि राज्य में इस वर्ष अब तक डेंगू के 3568 नए केस मिल चुके हैं। वहीं देखिए सबसे हैरानी की बात यह है कि पटना जिले में सबसे ज्यादा डेंगू के 351 नए मरीज मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर नालंदा जिला रहा, जहां बुधवार को 18 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा पूर्वी चंपारण जिले में 12, नवादा में 9, सिवान में 5, औरंगाबाद में 4, मुजफ्फरपुर में 3, बेगूसराय में 2, गया में 2, गोपालगंज में 2, दरभंगा, जहानाबाद, लखीसराय, पूर्णिया, सारण, शेखपुरा में 1-1, जबकि वैशाली जिले में 2 डेंगू मरीज पाए गए हैं। बड़ी खबर में देखिए, गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में ओबीसी की पार्टी AIMIM ने उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। जी हां देखिए, बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं। तो वहीं गोपालगंज सीट पर महागठबंधन और बीजेपी के खिलाफ AIMIM ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में गोपालगंज सीट पर उपचुनाव रोचक होने वाला है। आपको बता दें कि महागठबंधन बीजेपी और BSP ने दोनों सीटों को लेकर अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। वहीं देखिए अब ओबीसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने गोपालगंज से पार्टी का उम्मीदवार उतारे जाने की घोषणा भी कर दी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार से झारखंड जाना अब हुआ और आसान। रांची आरा एक्सप्रेस अब हफ्ते में 3 दिन आरके सिंह करेंगे शुभारंभ। जी हां देखिए, बिहार से झारखंड की यात्रा अब पहले से आसान हो जाएगी। ट्रेन नंबर 18639 और 18640 रांची आरा रांची एक्सप्रेस अब हफ्ते में 1 दिन की जगह 3 दिन चलेगी। वहीं देखिए पूर्व मध्य रेलवे ने आज से इस ट्रेन का परिचालन हफ्ते में 3 दिन करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से इस ट्रेन के फेरों में बढ़ोतरी का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह करेंगे। बता दें कि बिहार में यात्रियों की बढ़ती संख्या की वजह से ट्रेनों में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। हफ्ते में 3 दिन चलने से ज्यादा संख्या में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा सकेंगे। बड़ी खबर में देखिए, विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनके अपने ही मामी ने दी चुनौती। आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ गोपालगंज सीट से दाखिल किया नामांकन। जी हां देखिए, बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इसको लेकर भाजपा और महागठबंधन के दलों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब गोपालगंज सीट पर डिप्टी सीएम तेजस्वी की मामी ने भी चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने भाजपा के टिकट पर कल नामांकन दाखिल किया। लालू यादव की पार्टी राजद के उम्मीदवार को लालू यादव के ही करीबों से चुनौती मिल रही है। बता दें कि बुधवार को गोपालगंज सीट से उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद और साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ने बसपा से नामांकन किया है। वहीं आपको बता दें कि इंदिरा यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सरज और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामी इंदिरा यादव ने नामांकन के बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर एक बयान देकर भाजपा और महागठबंधन प्रत्याशियों के समीकरण को बदल दिया है। इंदिरा यादव ने कहा कि गोपालगंज में विकास चुनाव का मुद्दा होगा और नामांकन करने के बाद बड़े जीजा और दीदी से आशीर्वाद लेंगे। यानी इंदिरा देवी ने अपने जीजा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व सीएम राबड़ी देवी से आशीर्वाद मांगा है। बड़ी खबर में देखिए, बच्चों को अब अगले सत्र से खाते में पैसे के बदले मिलेगी किताबें। जी हां देखिए, बिहार के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को अब नए सत्र से उनके खाते में पुस्तक क्रय की राशि नहीं भेजी जाएगी, बल्कि 5-6 साल पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल होगी। 6 से 14 साल के बच्चों के अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा कानून के तहत एक बार फिर से राज्य सरकार निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराएगी। वहीं देखिए, शिक्षा विभाग नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों के तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चों को मुफ्त किताब देगा। वहीं देखिए, तमाम बच्चों को किताबों का सेट बनाकर अप्रैल के पहले हफ्तों में देना सुनिश्चित कराने के लिए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के निर्देश पर संबंधित अधिकारी जुट गए हैं। बड़ी खबर में देखिए, 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराना आवश्यक। जी देखिए, बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पुराना है, उन्हें अपने दस्तावेज फिर से अपडेट कराने होंगे। बता दें कि विभाग की ओर से कहा गया कि आधार का उपयोग सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए व्यक्तिगत नवीनतम विवरण के साथ डाटा अपडेट कराना होगा ताकि आधार सत्यापन में असुविधा ना हो। साथ ही कहा गया कि जिन लोगों ने अपने आधार इन 10 सालों के भीतर अपडेट कराए हैं, उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं देखिए, कहा गया कि केंद्र एवं राज्य के करीब 1000 योजनाओं में आधार जरूरी है, इसलिए सरकार चाहती है कि सभी लोगों के आधार का पुनः प्रमाणीकरण होना चाहिए। इस व्यवस्था उसी प्रकार की होगी जैसे बैंकों में समय समय पर KYC अपडेट कराया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यह सुविधा ऑनलाइन एवं आधार नामांकन केंद्र पर उपलब्ध होगी। ऑनलाइन अपडेट के लिए 25 तथा केंद्र पर ₹50 शुल्क लगेगा।
बड़ी खबर में देखिए, नोटबंदी और केंद्र पर आरबीआई को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 नवंबर को बताए किस कानून से 1000 और 500 के नोट बंद किए। यह देखिए बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर तक यह बताने को कहा कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए थे। वहीं देखिए कोर्ट ने सरकार और आरबीआई को हलफनामे में अपना जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 26(2) के तहत किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत नहीं करती है। वहीं धारा 26(2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। अब इसी का जवाब सरकार और आरबीआई को देना है। अगर मैं देखे शेयर करने वालों के लिए खुशखबरी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से अब जा सकेंगे पर्यटक। मानसून के अंत में लगातार बारिश से जंगल में जमा है पानी, रास्ते भी खराब। यह देखिए बड़ी खबर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र इस बार बारिश के कारण 1 नवंबर से शुरू होगा। यह हर वर्ष 15 अक्टूबर को शुरू हो जाता है और 15 जून तक चलता है। इस दौरान पर्यटक जंगल सफारी और बोटिंग का आनंद नहीं उठा पाते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम अनुकूल नहीं रहने के कारण पर्यटन सत्र की शुरुआत में देरी होती है। इस वर्ष लगातार हो रही बारिश के कारण 15 अक्टूबर से बढ़ाकर समय 1 नवंबर कर दिया गया है। वही देखिए इसको लेकर भेटियार प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दिया। लगातार हो रही बारिश के कारण जंगल के बीच रास्ते दुरुस्त कराने में दिक्कत आ रही है। इसे देखते हुए वन प्रशासन ने पर्यटन सत्र 1 नवंबर से शुरू करने का फैसला लिया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के गांवों में अब नहीं होगा पानी की दिक्कत। 10,000 गांवों में लगेगा 300 फुट गहरा चापाकल। जी हां, बड़ी खबर, बिहार के गांवों में अब पानी की किल्लत नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए 10,000 गांवों में एक एक चापाकल लगाया जाएगा। इसकी गहराई 300 फुट होगी। वही देखिए पीएचडी इस चापाकल लगाने के लिए 10,000 ऐसे गांवों का चयन करेगा जहां पर लोगों को 12 महीना और 24 घंटे नियमित पानी मिलता रहे। इसको लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वही देखिए गांवों में चापाकल जाने की योजना की स्वीकृति के लिए जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा जाएगा। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद ऐसे गांवों का चयन होगा जहां चापाकल लगाए जाएंगे। इस योजना को पूरा करने के लिए लगभग 6 माह का लक्ष्य रखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।